फोर्सेस को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, डिपेंडिंग कि वर्क डन कितना किया जाता है उन फोर्सेस के साथ। तो इसलिए हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो दो किस्म की बनाई गई, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ये पूरी कहानी से पहले मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है क्या। देखो जो कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करूँ, जैसे ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है वैसे बता देता हूँ मैं, और आप एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आते हैं, जैसे मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट को उठाया और 10 मीटर ऊपर ले गए, आपने एक ऑब्जेक्ट को उठाया 10 मीटर ऊपर ले गए, तो आपने कुछ वर्क डन किया, मान लो 15, आपने 10 इंटू जी इंटू एच करके वर्क डन कर दिया, मान लो 15 जूल आ गया। अगर आप 10 मीटर हाइट पर इसी ऑब्जेक्ट को घुमा घुमा के लेके आए, हाइट वही है 10 मीटर, या फिर एक फट्टा लगा दें इंक्लाइन प्लेन, उस पर स्लाइड करता हुआ लेके आए, कैसे भी लेके आए, घुमा के लेके आए, स्लाइड करते लेके आए, सीधा लेके आए, आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है अगर वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, तो फोर्स कंजर्वेटिव है। तुम जिस मर्जी रास्ते से ले आओ फोर्स कंजर्वेटिव है। लेकिन अगर कोई भी वर्क डन इनिशियल फाइनल की जगह रास्ते पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा ये लेक्चर स्टैंड बहुत भारी है, इसको उठा के ना यहां से वहां ले जाओ, तुमने धक्का मारा अगेंस्ट फ्रिक्शन काम किया एफ इंटू एल माइनस एफ इंटू एस, तो तुमने वर्क डन कैलकुलेट किया। लेकिन अब एक स्टूडेंट को कहा तू ऐसे मत लेके जा डायरेक्ट, तू एक काम कर पूरे कमरे में घुमा के लेके जा, वो कहेगा मेरा वर्क डन ज्यादा हो जाएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट जो फ्रिक्शन होगा वो नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि वो रास्ते पे डिपेंड करेगा, जितना लंबा रास्ता होगा उतना ही तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, ये नहीं है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव की डेफिनेशन क्या हुई कि अगर आप वर्क डन करते हो कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ, तो वो वर्क डन की वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, आपके रास्ते पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती, देखा भी नहीं जाएगा तुम कहां से लेके आए हो बॉडी, सिर्फ इनिशियल से फाइनल बस, तो वो कंजर्वेटिव है। और नॉन कंजर्वेटिव में क्या बताया, रास्ते पे डिपेंड करता है वर्क डन, इनिशियल फाइनल पे नहीं डिपेंड करता, किस रास्ते से लेके आए हो, लंबे रास्ते छोटे रास्ते, लंबे रास्ते में ज्यादा वर्क डन है, छोटे रास्ते में कम वर्क डन है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। क्या ये बात समझ में आती है? ये सिंपल डेफिनेशन है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव के अंदर जब वो वर्ड यूज करेगा और आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तो आप उलझ जाएंगे, अब पता ही लगेगा यार भूल ही जाओगे कंजर्वेटिव क्या था नहीं था। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव को डिस्कस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, इसको कोई डिस्कस करता ही नहीं है, पता है क्यों? फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर लंबे रास्ते से काम कर रहे हो तो वर्क डन तो ज़्यादा ही लगेगा, पर उसको तो क्या ही सॉल्व करूंगा। वो स्टूडेंट कह रहा है यार लेक्चर स्टैंड को 10 किलोमीटर लंबा घसीट दिया, काम था 2 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर में तो मर जाएगा ना धक्का मार मार के, इसका मतलब वर्क डन बहुत ज़्यादा करके आया है, तो ये तो नॉन कंजर्वेटिव है, सही है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम प्रूव करने की कंजर्वेटिव। अब जैसे एग्जांपल है, इस स्टूडेंट को कहा कि एक काम कर, उठना मतलब आंखें खोलो, तो एक काम करना है एक ब्लॉक को उठा के यहां से छत पे रख, इसने जी होल कर दिया यहां से और छत पे एक मास रखाया 10 मीटर ऊपर छत थी। दूसरे स्टूडेंट को कहा एक काम कर तो यहां से इसी ब्लॉक को पकड़ और उस छत पे रख के, इसको तो होल करना आता ही था दूसरे स्टूडेंट को, वो सीढ़ियों से जा जाके वहां रख के आ रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर काम किया तो ये मैटर नहीं कर रहा तुम किस सीढ़ियों से उठ के आ रहे हो, तुम्हारा वर्क डन उतना ही होगा जितना इसने किया। तुम कहोगे यार मैं तो सीढ़ियों में चढ़ के आया हूँ, ग्रेविटी कहती है मेरे को क्या लेना, तुम हॉरिजॉन्टल जहाँ मर्जी जाओ, मेरी तरफ से तुम दिल्ली चक्कर मार के यहाँ पर आ जाओ, अगर तुम्हारी हाइट इतनी है, अगर मान लो तुमने मेरे, क्योंकि ग्रेविटी तो वाई एक्सिस में काम कर रही है, एक्स में काम ही नहीं कर रही, तुम अगर एक्स एक्सिस में घूमना शुरू कर दोगे तुम ग्रेविटी को कहोगे मैंने काम किया, ग्रेविटी कहाँ मानेगी, ग्रेविटी कहेगी देख मेरी फोर्स तो इधर है, तेरी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो मेरी तरफ से तो तेरा वर्क डन जीरो है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बनेगा, जीरो 90। तो मेरी तरफ से तू कार चला चला के जहां मर्जी घूम, मेरी ग्रेविटी के नजरों में उसका वर्क डन बिल्कुल जीरो है, ग्रेविटी की बात हो रही है। वैसे तुमने काम किया होगा नहीं, मेरी नजरों में तुमने काम किया, क्योंकि मैं तो हॉरिजॉन्टल भी देखता हूं, पर ग्रेविटी को कुछ नहीं दिखता, ग्रेविटी को सिर्फ वाई एक्सिस दिखता है। समझ में आ रहा है यहां तक? इसलिए ग्रेविटी के अगेंस्ट जब काम किया जाता है तो हॉरिजॉन्टल वर्क डन को काउंट ही नहीं करती, वो सिर्फ वर्टिकल को काउंट करती है, इसलिए वो कंजर्वेटिव है। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं कंजर्वेटिव की डेफिनेशन पढ़ूं
तो फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, यानी कि एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, जिसे कंजर्वेटिव बोलते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव, और इसका जो एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव का, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, आज हम डिस्कस भी करेंगे, स्प्रिंग की फोर्स भी कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग की फोर्स समझते हो, आपने स्प्रिंग को खींचा तो आपने एक्स 10 सेंटीमीटर खींच दिया, तुम उसको सीधा खींचो, तुम घुमा के खींचो, वर्क डन सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें, तो बस वो डिस्प्लेसमेंट उसकी एक्स होनी चाहिए तो वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी। तो स्प्रिंग की फोर्स कंजर्वेटिव है, हम ये भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में जब स्प्रिंग की एनर्जी करेंगे, और ग्रेविटी की फोर्स तो आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव है। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है और रास्ते पे ही डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन में डिपेंड नहीं करता, नॉन कंजर्वेटिव है। और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। क्या ये पॉइंट समझ में आता है सबको? ठीक,